हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन। मैंने कुछ ऐसा वीडियो शूट नहीं करा चितारोली जाके, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही मेडिकल के चक्कर हो रहे थे। तो सोचा यार चलो कोराडी जाके आते हैं, माँ जगदम्बा के दर्शन करके आते हैं। आज पहला दिन है और अभी कुछ 11 बज रहे हैं। हम दूसरे दिन पकड़ तो दूसरे दिन ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पे चलते हैं कोराडी। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्यारे लाइटिंग्स वगैरह लगे हैं। नागपुर वालों को पता है कोराडी मंदिर क्या चीज़ है, और जो नागपुर के बाहर है यार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है मंदिर का, क्योंकि बहुत प्यारी रौनक होती है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत 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 बड़ी बड़ी लाइनें होती है। भाई अपने पास पास है, पास मिला है अपने को, अपन जाएंगे देखेंगे, दर्शन लेंगे माँ के, और देखते हैं यार वहाँ का कैसा व्यू होता है, कैसा पेंडल होता है, कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। इसके पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते होंगे ना, प्रणव और सुजल के साथ में गया था, और अभी मैं योगेश के साथ जा रहा हूँ। हम दोनों ही जा रहे हैं, और देखते हैं अगर कोई रास्ते में मिलता है उनकी इच्छा हो चलने की तो हम उन्हें भी ले लेंगे, क्योंकि 5 जन जा सकते हैं और हम 2 ही लोग हैं, तो देखते चलते। तो गाइस हम 5 जन हो चुके हैं। मेरे साथ में सौरभ है, विक्रांत है, गोगिया और कार्तिक भी है। हम 5 लोग जा रहे हैं। हम आधे घंटे से, मतलब इन लोगों के लिए आधे घंटे से रुका हूँ भाई, खाना वाना खा लिए थे, बढ़ते हैं अभी हम लोग। और हमारे एरिया में भी देविया बैठ चुकी है, और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर अभी हम लोग पहले जाते हैं धंतोली की देवी देखने आते हैं अपन पहले। धंतोली की देवी देखने आते हैं, फिर वहां से हम कोराडी के लिए निकलेंगे। चलो हाँ, घर में बैठ बोले हम लोग धंतोली आए थे दीनानाथ स्कूल, और थोड़ा लेट हो चुके हैं तो अभी गेट बंद हो चुका है, पर आपको मैं शायद कुछ दिनों के बाद दिखाऊं। हम घूमने के लिए ज़रूर आएंगे, और देवी बहुत ज़्यादा प्यारी है। आपको शायद नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए बहुत सुंदर देवी है यार, अंदर की थोड़ा सा आगे आया, और ये जो देवी है बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको दिखाता हूँ, मैं अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। सुंदर है, पूजा चल रही है अभी अंदर। अभी हम लोग निकल रहे हैं कोराडी के लिए डायरेक्ट। हम लोग धंतोली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से कुछ कितने किलोमीटर होगा भाई, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। हाँ 15 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है, कुछ 10-15 किलोमीटर है, तो हम लोग कुछ हार्डली आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा लंगर वगैरह भी लगता है रास्ते पे, शायद ही लगाऊंगा, पता नहीं, क्योंकि आज पहला ही दिन है, हो भी सकता है लगाओ, तो देखेंगे अभी रास्ते पे जाते जाते। देखो हमारा सदर कितना ज्यादा ही रंग बिरंगी है। अच्छा ये कुछ देर तक, अरे बस इधर तक ही था थोड़ा आगे जाके और है, ब्रिज के नीचे नहीं गए जो अपन पूनम चेम्बर्स के पास जाते, शायद उधर है। चलो आगे देखेंगे। ये देख रहे हो सब लोग जो 2-व्हीलर से जा रहे हैं, ये सबकी सब कोराडी जा रहे हैं, और ऐसी 9 की 9 दिन यहाँ पे भीड़ होती है बहुत ज्यादा। बहुत मजे आते हैं ऐसे 2-व्हीलर से भी आने के लिए, ग्रुप होना चाहिए, क्या बोलते हैं भाई? Yes. ये देखो, ये देखिए, ये तो बैनर लगा रहे हैं। So guys, हम पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगी है, शायद जाने नहीं दे रहे अंदर, क्या सीन है देखते हैं। क्या हो गया भैया? मामा लोग खड़े हैं सामने, पुलिस चाचा खड़े हैं, देखते हैं। ओके, पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे, शायद से भीड़ बहुत होंगी इसलिए कार को एंट्री नहीं दे रहे यहाँ से। लोग मंग रहे थे पास, और ये हमारे बाजू वाला बोलता है कि लाइसेंस मंग रहे करके। ओके, तो पास मंग रहे हैं। जहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं कोराडी के लिए, नीचे से ब्रिज के नीचे जब जाते हैं, तो उसके पहले ही वहाँ पे पुलिस वाले भैया खड़े थे सर, तो वो पास मंगे, पास देखे उनने, फिर हमको एंट्री दिए। और 2-व्हीलर वालों को तो ऐसे ही दे रहे, पर कार के लिए शायद से पास मंग रहे हैं उन लोग, क्योंकि यार वहाँ पे पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, पर ये जो 9 दिन होते हैं वहाँ पे बहुत लाखों में, भाई लाखों में पब्लिक आती है, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है अभी।
ठीक है अभी कार चलाते वक्त इतनी ब्लॉगिंग नहीं कर सकता मैं क्योंकि सामने देखना पड़ रहा है। बस पहुंच गए हम लोग, आपको गेट दिखाता हूँ गेट कैसा सजाया है लोग ने लाइटिंग से, वो देखते हैं पहले जाके। यहाँ पे देखो यहाँ से कोराडी का गेट है, ये देखो यहाँ पे लाइटिंग चल रही है पर यहाँ से कार्स को अंदर जाने नहीं दे रही है, पता नहीं यहाँ पे क्या है, आगे जाके देखना पड़ेगा। नहीं ना नहीं जाने देंगे है ना कार, नहीं जाने देंगे, देखते यार नहीं जाने नहीं दे रहा शायद सबके। हाँ देख बार जाता है छोटे, देखो उसको पास दिखा दे नहीं तो हमको आगे से बॉमस के पास से जो टर्निंग आती है थोड़ा आगे जाके एक है राइट हैंड साइड में टर्निंग, फिर वहां से यू टर्न लेके अंदर जाना है कार वालों को क्योंकि टू व्हीलर वालों को जाने दे रहे हैं। पता नहीं है कुछ नया रूल है शायद इनका इस बार का, क्योंकि इसके पहले साल ऐसा कुछ नहीं था भाई, डायरेक्ट अंदर घुसा रहे थे, इतना डीपली नहीं थे तो हाँ हाँ छोड़ देते। ये साल पहली बार है ऐसा कि वहां से यू टर्न लेके जाना है और अच्छा खासा लंबा यू टर्न है। देखते हो गेट तो बहुत ज्यादा प्यारा डेकोरेट करा है इनने, कुछ दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पहली बार जा रहा हूँ ये रास्ते से मैं, इसके पहले गया नहीं कभी। और ये बाजू में हमारे तालाब है और यहाँ से जा रहे हम, थोड़ा सा भाई रास्ता खराब है, पता नहीं ये कहाँ पे लेके जाएगा, बोर्ड वगैरह तो लगा है, पुलिस वाले भी है डायरेक्शन देने के लिए आपको कि कहाँ से जाना है। और ये मेरे ख्याल था कि पीछे का रास्ता है, वो नहीं कह रहे पीछे से जो गांव से निकलता वो वाला रास्ता है ये, वो मिनी गोवा के तरफ। हाँ हाँ बस 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 वो गांव से है यार ये रास्ता, वही लग रहा है। ठीक है देखते हैं। बस से गाड़ी रोक दी गई है और मुझे कुछ आइडिया नहीं, समझ रहा नहीं है वैसे कि क्या हो रहा है, कहाँ से जाना है, रास्ते कहाँ कहाँ डाइवर्ट करा है इनने। देखते हैं यार भैया आगे जाके, क्योंकि पुलिस वाले हैं, मैं ऐसा रिकॉर्ड करूँगा तो समझेंगे कुछ गलत काम कर रहा हूँ मैं, मतलब इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा समझेंगे। शायद से ये जाने का है और इधर से इन लोग गलती से आ गए कि क्या है, ये देखो इधर से आने हैं और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगी है यार, सबसे बेस्ट यहाँ से जाना है। ये रुक क्यों गए यार, जाओ दे मनते जाओ दे, जाओ दे काका जाओ दे। और ये पहली बार आया भाई ऐसे ही रास्ते पे अपन, है ना, रास्ता बहुत खराब है यार। हाँ रास्ता खराब है देख बहुत ज्यादा भाई, गाड़ी की अम्मा होने वाली है इधर, ये देखिए शहर में गाड़ी की अम्मा नागपुर शहर में बहुत ताबड़तोड़ पार्किंग लगी है। देखो ये पूरी दिख रहा है ये पूरी पार्किंग लगी हुई है और यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए कुछ पैसे मांगेंगे इन लोग, 50-100 रुपए शायद से। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ज्यादा भीड़ रहने वाली है इधर, फोर व्हीलर के लिए ये पार्किंग है शायद से, टू व्हीलर तो दिख रही नहीं है मुझे इधर, पर ये कुछ अलग से ही पार्किंग है और हमें कुछ समझ रहा नहीं है कि ये कौन सी जगह है, है ना, समझ रहा नहीं ना अपन। हाँ नागद्वार के टाइम पे ऐसा लग रहा नहीं, यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा अपन है कहाँ पे वैसे। अरे बस स्टॉप ही है मेरे को लग रहा, पता है क्या, नागद्वार तो नहीं लेके आया, नहीं नहीं नागद्वार के लिए अपने को टाइम लग जाता था। ठीक है देखते यार, अभी लोग पहुंच चुके हैं इधर और भाई बहुत ज्यादा ही भयानक पार्किंग है। हम यहाँ से पैदल जाने वाले हैं कोराडी तक के और कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चलना है हमें, क्योंकि हम मंदिर के बैक साइड है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन लोग ने पार्किंग रखा है और मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था, ये पहला एक्सपीरियंस है। और आपको कुछ पार्किंग 30 रुपीज़ देनी पड़ रही है कार की और शायद से बाइक की 20 रुपीज़ होंगी। और यहाँ से जाएंगे हम और देखते हैं लाइन में कितना टाइम लगता है, क्योंकि यार पास है हमारे पास में तो भी वक्त लगता है। और अभी कुछ 12 बजने को आ चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं अंदर, धीरे धीरे बढ़ती लेते हैं क्योंकि हम लोग चप्पल उतार दिया है कार में, यहाँ से हम लोग लंगे पैर ही जा रहे हैं। पर रंगोली बहुत ज़्यादा फेमस होती है और सस्ती मिलती है, यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर के साँचे हैं, रंगोली मिल रही है। और ये देखो गेट है, ये बैक साइड का गेट है, ये देखो यहाँ पे रंगोली बहुत सस्ते में मिलती है, ये है बैक साइड का गेट। और लाइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है यार, से लाइटिंग शुरू हो चुकी है। और वैसे तो मुझे ना यार सामने का गेट लेना था बट कोई बात नहीं, और यहाँ पे हैंडीकैप के लिए गाड़ी भी अवेलेबल है, पर इसकी बुकिंग कैसी है मुझे आइडिया नहीं है, आप कोराडी की वेबसाइट में चेक कर सकते हो। पर ये लाइटिंग देखिए यहाँ पे,
और यहाँ पे खाने पीने के लिए जूस वूस सब कुछ अवेलेबल है, पर ये लाइटिंग का मज़ा कुछ और है। रंगोली के सांचे मिल रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन में, और रंगोलियाँ भी मिल रही है। और ये टाइम पे ना यार कोराडी काइंड ऑफ अ फेमस रंगोली के लिए, सिंदूर के लिए, मंदिर के लिए तो है ही, बट ये सब चीज़ों के लिए और भी फेमस है। ये देखिए और लाइटिंग देखो यार कितनी प्यारी है सच में यार। ये लाइटिंग से अलग ही एक रौनक आ रही है रास्ते पे, क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं और ये रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, पर ये दौरान बिल्कुल ही सुनसान नहीं है, बहुत ज़्यादा रौनक है। और भीड़ इतनी अभी लग रही नहीं है, अंदर जाके पता चलेगी क्या भीड़ है कैसी है। इस यहाँ पे राम मंदिर भी है, पर वो राम मंदिर बोला जाता है, पर वैसे तो वहाँ पे पूरी रामायण लिखी हुई है और वो काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम है। तो अभी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 5 बजे वो बंद हो जाता है। इसके पहले मैं गया हूँ और अंदर देखा हूँ कुछ, तो भी उसकी टिकट याद नहीं आ रही, 100 रुपीज़ समथिंग कुछ तो टिकट है उसकी। और ये जो ऊपर लाइटिंग लगी है, हमारे गणपति में ऐसी लाइटिंग लगाए थे हम लोगों ने भी, पर साइड में लगाए थे, यहाँ पे ऊपर से लगी है। ये गाइस हम लोग ने लगाए थे गणपति में, और ये है अभी लाइटिंग इधर। और ये देखिए ये गेट, और ये शायद से यहाँ से एंट्री है हमारी। ये गेट देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है डेकोरेटेड। ओके एंट्री हो चुकी है भाई अपनी, धन्यवाद भाऊ। सो गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से एंट्री होती है पास से। अरे गेट बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, गेट बहुत सही लगा सच में। अलग डेकोरेट करा भाई, ओरिजिनल है सामने जाता। नहीं 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 ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेड़ लगा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है ये सच में। वो रियलिटी में पेड़ उगा है और उन लोगों ने डेकोरेटिंग, भाई बहुत प्यारा कर रहा है यार ये, उसी का रहेगी नहीं। ओके आगे से देखते हैं। ये देखिए ऐसे लाइन है, ऐसा जिगजैग जाना है, इतनी भीड़ नहीं है पर ठीक है। इधर से देखते हैं पहले, ये देखो गेट गणपति जी है ऊपर, ओरिजिनल पेड़ है ये और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गेट पे बहुत सही तरीके से डेकोरेट करा है इसे। चलो अंदर चलते हैं। और वो सही यार, ये पूरे ओरिजिनल पेड़ है, बस ये आर्टिफिशियल है। और ये देखो कितना प्यारा डेकोरेट करा है अंदर का, बहुत ज़्यादा प्यारा। अच्छा ये नकली की असली है रे वाले? अच्छा ओके ये भी नकली है, पर बाहर वाले जो थे वो असली थे। सही लग रहा है यार बहुत ज़्यादा, ये कुछ नई चीज़ है। ओके एंट्री है ऐसे, यार डेकोरेट बहुत ज़्यादा प्यारा करा है यार। ये हम ऐसे पासेस लेके जा रहे हैं, ये वाली लाइन पता नहीं है हमें कौन सी है, बट हम यहाँ से आए हैं। और ये देखिए नवरात्रि के अलग ही प्यारे रंग, बहुत प्यारी तरीके से डेकोरेट करे हुए। और ये देखिए यहाँ पे पॉन्ड्स लगाया है, और ये ओरिजिनल है। आप यहाँ पे आके विश्राम कर सकते हैं, और ये यहाँ पे कूलर वगैरह की फैसिलिटी है दी हुई। और यहाँ पे भी देखो झूमर बहुत प्यारे लगाए हैं, लाइटिंग वगैरह है, और ये पॉन्ड्स लगे हुए हैं। और भाई सही है, ये बहुत प्यारा डेकोरेट करा है, ये भी एकदम नॉर्मल ही है पर दिख बहुत सारा सही रहा है। और भाई मंदिर देखना तो बचा ही है अभी। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और कुछ इस तरीके से मंदिर का डेकोरेशन हुआ है। देखिए लाइट्स देखो यार कितनी प्यारी है, दर्शन तो बहुत प्यारी तरीके से हुए। अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, पर बाहर से शूट करना अलाउ है क्योंकि भीड़ हो जाती है। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए, खाली था और बहुत सच में इतनी पीसफुली दर्शन नहीं करा मैंने आज तक के कभी। और आज मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, अंदर से जाके देखते हैं कि कैसा मंदिर डेकोरेट है और किस तरीके की लाइटिंग है, क्योंकि जो बीच का झूमर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। तो अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको कैसी लाइटिंग है। ये देख लीजिए अंदर का कैसा माहौल है अभी, और ये झूमर देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, इसके लाइटिंग्स चेंज हो रहे हैं, पारे लाइट लगा के रखे, और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। ऐसे बैठे और पीसफुली कभी ऐसे बैठने मिलता नहीं है इधर, बहुत कम ही मिलता है नवरात्रि के टाइम पे। और है भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मंदिर, ये देखिए। और ये माता का दरबार है इधर, हम थोड़ा आगे से जाके देखते हैं।
बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेट करा ओरिजिनल फूल से। और ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, देखिए आपको चेहरा दिख ही रहा होगा माता जी का। कैप्चर कर सकता था उतना कैप्चर करा है मैंने। और अभी हम लोग शिवजी के दर्शन लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मंदिर को, थोड़ी खूबसूरती देखते हैं मंदिर की और दिखाते हैं इधर कितनी ज़्यादा भीड़ है। जी का मंदिर है इधर और बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेट करा है, इसे भी नंदी जी बैठे इधर और अंदर गेट लगा हुआ है। देखो यार कितना प्यारा दिख रहा है मंदिर डेकोरेटेड, और शार्पिया देखो कितनी प्यारी लगी है, और ऊपर का देखो कैसे लाइटिंग्स लगे हैं। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको, और देखो यहाँ पे लोग हैं, वैसे दर्शन तो हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आज इतनी भीड़ लग रही नहीं है, आज का पहला ही दिन है, पकड़ो दूसरा दिन लग चुका है। और ये देखो यार यहाँ पे मंदिर कितना प्यारा डेकोरेट करा है लाइटिंग्स है, और ये जो चीज़ है ना इसके ऊपर पूरी इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इस पर पूरे दिए लगते हैं, बूझ चुके हैं आधे, पर जब वो पूरे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है वो। ओके सो गाइस, हमने फ्रंट वाला जो व्यू था वो कैप्चर कर लिया है और अभी हम लोग घाट देखने के लिए जा रहे हैं। घाट कहाँ से देखेंगे रे? हाँ भी घाट कहाँ से देखेंगे छोटा? घाट के लिए कहाँ से जाना? वो तरफ है क्या? ओके ओके, हम यहाँ से देखते हैं। अभी भी कुछ स्टॉल्स वॉल्स लगे हैं, खाने पीने की चीज़ें, साड़ियाँ वाड़ियाँ है, और भी बहुत हैंडमेड चीज़ें लगे हैं यहाँ पे, वो जाके देखते हैं कैसे। यहाँ पे साड़ियों के स्टॉल लगे हैं और यहाँ पे फोटो फ्रेम्स वगैरह मिल रही है, ऐसे ये हर बार ही लगता है नवरात्रि में और शायद तक रेगुलर डेज में भी होता है। यहाँ पे मिठाई वगैरह की शॉप्स हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके की, और लाइटिंग्स वाइटिंग्स भी लगे हैं यहाँ पे। इधर ही आके देख रहा था मैं। ओके ये देखिए, ऐसे कुछ आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इस दर्शन वगैरह होने के बाद में यहाँ से एग्जिट है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और घाट देखने के लिए जाएंगे। है कुछ बाहर निकल के माहौल, और वो जो दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, ये राम मंदिर है, वहाँ पे पूरा अंधेरा है, पता नहीं क्यों शायद चालू करके रखना था, बहुत प्यारा दिखता है बाहर से भी। और ये एग्जिट गेट है, और अभी हम लोग जाएंगे घाट देखने के लिए। यहाँ पे भी लाइटिंग बहुत रौनक वाली है, और देखिए यहाँ पे सिंदूर वगैरह मिल रहा है। भाई बहुत थक गए होंगे सुबह से बैठे रहते इन लोग। एक नंबर देखिए यहाँ पे घट है, और देखो कितना प्यारा लग रहा है, इधर हवा बिल्कुल भी पास नहीं होती है गाइस क्योंकि घट बुझने ही नहीं देते इन लोग। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे गाइस। ये देखिए कैसे घट है यहाँ पे, भाई कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और बिल्कुल हवा का एक भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखिए गाइस किस तरीके से घाट लगे, गाइस हमारा कुराड़ी
का दर्शन हो चुका है, माता जी की कृपा बसी रहा है हमारे ऊपर और हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, हमारा चैनल आगे जाए। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे और आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। नवरात्रि का ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं गाइस, आगे बहुत एक्साइटिंग ट्रिप आने वाली है और ये नवरात्रि कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, तो अभी के लिए इतने रखते हैं, बाय।